हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। एक्सरसाइज 2.4 अपन ने कल लास्ट वीडियो में सॉल्व करी ली थी। अब 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उनकी बारे में कुछ आइडेंटिटीज जानेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी फर्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी सेकंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी थर्ड पढ़ेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एंड हम आते हैं आइडेंटिटी फोर्थ की तरफ। आइडेंटिटी फोर्थ क्या है? आइडेंटिटी फोर्थ है अपनी, यदि अपने पास इस तरह की फॉर्म आ जाए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अपनी कौन सी हो गई? आइडेंटिटी नंबर फोर्थ। ये अब कैसे आई x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कैसे आया? तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने को पता है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 होता है। एक मैं समझा देता हूँ, बाकी तीन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, दो बार x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है। किससे? x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले तो x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर y को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। या आपने 8th क्लास में सीखा होगा, x को पहले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर y को पूरे टर्म x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले को x से मल्टीप्लाई होगा, फिर y से, फिर ये y वाला x से मल्टीप्लाई होगा, देन y से। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, देन वाई एक्स और देन वाई स्क्वायर। हाँ, हमें पता है कि 5 इंटू 6 कितना होता है? 30 होता है। और 6 इंटू 5 भी कितना होता है? 30 होता है। तो अपन x इंटू वाई या y इंटू एक्स, एक ही बात है, दोनों को एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला अपना फॉर्मूला है। फिर आइडेंटिटी सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, थर्ड आप सॉल्व कर सकते हो, और फोर्थ आप सॉल्व कर सकते हो। और इनको देख सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इनको लिख लो, ये 9th में भी काम आएगी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, सब जगह ये अपनी काम आएगी। इनको नोट करो, तब तक मैं आपके लिए एग्जांपल्स कराता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके और फिर नोट कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए अपने को एग्जांपल्स करने होंगे। एग्जांपल समझते तब जाके ये आइडेंटिटीज अपने पास क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलो क्वेश्चंस को मूव करते हैं। पहला एग्जांपल है अपना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अपन करना चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि x पहले मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, देन 3 मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना। तो अपन ने देखा कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, x प्लस 3 x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपने को पढ़ता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पे यहाँ x की जगह पे तो क्या था, x था, यहाँ हमने y की जगह पे क्या लिया है, 3 लिया है। तो इस पूरी आइडेंटिटी में पुट कर देंगे तो डायरेक्ट अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पे x का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पे हमने पुट किया x, और y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, प्लस y का स्क्वायर होता है, तो y का स्क्वायर होता है तो प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर अपने को मिलता है 6x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी सॉल्व की। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x माइनस 3 और x प्लस 5, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये भी कैसे आई, या आप आपस में सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये मिल जाएगी। तो इसमें a की जगह पे तो क्या है, माइनस 3, बी की जगह पे क्या है, प्लस 5। तो इस पूरे वैल्यू में रख देंगे, x की जगह पे x है प्लस a प्लस बी, a की जगह पे माइनस 3 प्लस 5 एक्स प्लस ए बी माइनस 3 इंटू 5। सॉल्व किया इसको, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 2 एक्स, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 15। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है,
एग्जांपल नंबर 17 है अपना 105 × 106, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। किसकी हेल्प से मल्टीप्लाई करना है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली तो अपन मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, जानते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपने को इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। देखो 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 5, और 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 6। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, फोर्थ आइडेंटिटी बन गई जो आपने नोटबुक में लिखी है, x + a x + b। एक्स की जगह पे क्या हो गया 100, यहाँ भी एक्स की जगह पे क्या हो गया 100, और ए की जगह पे क्या हो गया 5, और बी की जगह पे क्या हो गया 6। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा अपना, एक्स की जगह पे पुट किया अपन ने 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, 5 + 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो गया 100 प्लस ए इंटू बी 5 × 6। इसको सॉल्व किया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1100 प्लस 5 × 6 कितना हो गया 30, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा अपना 11 और फिर 1, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज (49a²) + 70ab + 25b², ये आपको फैक्टराइज करना है। आप सोचना है आप किस तरीके से इसको फैक्टर्स में बदल सकते हैं। फैक्टर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया फैक्टर्स होते क्या, जैसे ये दो फैक्टर्स हो गए, इसी तरीके इस पूरी इक्वेशन को किस में बदलना है, फैक्टर्स में। आपको दिमाग लगाना जब तक मैं इसको रफ करता हूँ। हुआ कैसे करना है 49 का स्क्वायर + 70ab + 25b²। देखो कैसे करना है, अपन ने चार आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, x + y² = x² + y² + 2x, इन्हीं से कंपेयर करके हमें ये वाली इक्वेशंस लेके आनी है। तो देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है ए, इसका कंप्लीट स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, 25b², इसको क्या लिख सकते हैं 5b². अब 70 को देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 7a × 5b, चेक करते कि 70 आता है या नहीं। 72 से कितना हो गया 14, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इस तरीके से आप पूछोगे क्यों लिखा, क्योंकि अपने को आइडेंटिटी बनानी है, कौन सी वाली, ये वाली x + y² = x² + 2xy + y², ये अपने पास आइडेंटिटी आ गई, इसके लिए हमने ये लिखा। अब ये इससे मैच करते तो x की जगह पे क्या हो गया 7a 2xy, 2x की जगह पे 7, y की जगह पे 5b, और फिर y की जगह पे क्या आ गया 5b, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस जगह से x + y² होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसको क्या लिख लिया 7a + 5b² होल स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं 7a + 5b और 7a + 5b, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए अपने पास, पहला और दूसरा। इस तरीके से अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड 25 / 4x² - 22² / 9। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 5² होता है, 4 2² होता है, x² - y/3² ये कौन सा फार्मूला हो गया आइडेंटिटी सेकंड थर्ड, थर्ड आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था x² - y² = x + y x - y, आपने नोटबुक में देखो। तो यहाँ भी देखो x की जगह पे तो क्या है 5/2x, यहाँ क्या है y की जगह पे y/3, तो हम इसको लिख सकते हैं x + y x - y, लिख देता हूँ यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है। x की जगह पे होगा 5/2x और y की जगह पे y/3, तो यहाँ x + y x - y, तो इसको लिख लिया हमने 5/2x + y/3 और 5/2x - y/3, इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। इसको समझो, अच्छे से समझो, नहीं आए तो वापस वीडियो पॉज करो फिर से देखो, नहीं आए फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछो, फिर अपन मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में अपने को निकालना है, क्वेश्चन नहीं है, एक नई आइडेंटिटी अपन पढ़ेंगे। इस नई आइडेंटिटी में क्या है, x + y + z² होल स्क्वायर, इसका अपना आइडेंटिटी बनानी है, फॉर्मूला बनाना है। तो बेसिक किस मेथड से आता है ये फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको थोड़ी देर के लिए एक टर्म मान लेते हैं अपन, क्या टी, वापस से लिख देंगे टी की जगह पे एक्स प्लस वाई, अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लिया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये अपने को पता है टी प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस वाली आइडेंटिटी से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। चलो देखते हैं, टी स्क्वायर प्लस टू टी जेड प्लस जेड स्क्वायर आ गया। टी की जगह पे हम वापस से पुट कर देते हैं जो हमने पहले रखा था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई, और जेड की जगह पे जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इसको सॉल्व किया टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम देखते हैं, सभी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। तो ये अपने पास क्या हो गई, आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये इसकी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का और इसकी, ये इसकी आइडेंटिटी। इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो, ये आपके क्या है, बहुत काम आएगी। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अपने को क्या जाएगा, समझ में आएगा, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अगले एग्जांपल से रिलेटेड देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 19 एनसीईआरटी बुक का 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। इससे थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, इजी वाला आप कर लोगे। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 4a माइनस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसको अपने को क्या करना है, फैक्टर्स में चेंज नहीं करके फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज नहीं, इसको सॉल्व करना है, अपने को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी से। यहाँ भी तीन टर्म है अपने पास, और यहाँ भी अपने पास कितने टर्म है, तीन टर्म। तीन टर्म में तो वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह, और लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्स की जगह पे तो क्या अपने पास फोर है, वाई की जगह पे कितना है अपना टू है, और जेड की जगह पे कितना है थ्री है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। तो एक्स की जगह पे अपना हो गया फोर है, वाई की जगह पे हो गया माइनस टू भी, एंड जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री सी। चलो लिख लेते हैं, फोर ए का होल स्क्वायर एक्स की जगह पे, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू फोर ए माइनस टू बी प्लस टू वाई जेड होता है, तो टू माइनस टू बी एंड माइनस थ्री सी प्लस टू माइनस थ्री सी इंटू फोर। इस तरीके से हमने क्या किया, लिख लिया इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 है उसका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b उसका, ये हो जाएगा अपना 9c उसका। ये देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 टू जा 16, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 16ab। इधर देखो 3 टू जा 6 टू जा 12, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 12bc। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, ये अपना क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म हो गया। इस तरीके से हमने किया, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसमें तो हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड किया था। अब क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइज करेंगे। अगले एग्जांपल में क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज में उल्टा पूछ लिया हमसे, पहले ये वाले दे दिया और इसको फैक्टर करके, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 4xz। अब इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, अब देखो ये किसका स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया प्लस ये y का स्क्वायर हो गया प्लस z का स्क्वायर हो गया प्लस 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x है, और क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 बाय एंड जेड प्लस 2 2x और जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस साइन कहाँ गया, तो माइनस साइन लगाने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, बाई कॉमन है, तो बाई के आगे माइनस लगाते थे
ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये कंपेयर कर लेते हैं इससे, एक्स की जगह पे 2x, वाई की जगह पे वाई, जेड की जगह पे जेड, 2x इन टू वाई, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x है, वाई की जगह पे माइनस वाई, तो ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स की जगह पे कितना था अपना 2x, वाई की जगह पे क्या है माइनस वाई, और जेड की जगह पे क्या है जेड, तो ये अपना क्या हो गया इसके फैक्टर्स हो गए। इसको आप समझो, रब करता हूँ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बाकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो 6th है 7th है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।